गुड गुड आफ्टरनून। सो नाउ स्टार्ट टुडे क्लास। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, है ना। हमने डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ा, दैट इज द फरो इरिगेशन, चेक फ्लडिंग, बॉर्डर इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। ये सब सबको क्लियर है। मैं बस 2 मिनट में ये सब का रिवीजन करना चाहूंगी वाई फोटोग्राफ, जो भी हमारा इमेज के थ्रू, ठीक है। तो जो भी इरिगेशन का मेथड हमने पढ़ा उसे हम लोग इमेज के थ्रू बस 2 मिनट में समझते हैं कि किस टाइप का इरिगेशन होगा। कुछ लोगों ने जो एक्चुअल फील्ड में देखा होगा वो लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, बट अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा टाइप्स ऑफ इरिगेशन, उन लोगों के लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट ओके, इज इट विजिबल टू ऑल? The first method is the border flooding. This is a type of surface irrigation. है ना, surface irrigation का एक type था, that is the border irrigation. तो border irrigation में क्या हमने बताया था कि हम लोग जो land होता है उसे different long strip में divide करते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का जो irrigation method होगा that is the border irrigation. यहाँ पे ये जो हमारा है this is main supply ditch. Main सप्लाई डिचेस, ये हमारा मेन सप्लाई है। यहाँ से हमने क्या किया, हर एक बॉर्डर के बीच में वाटर फ्लो करवाया। दिस इज द वाटर फ्लडिंग, वाटर इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट इज द चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में क्या था, लैंड को हमने डिफरेंट चेक्स में डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया। दिस इज द, हियर यू कैन सी this part of land, this part of land, ऐसे बॉक्स बॉक्स में दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, इधर कहीं पे हमारा क्या होगा, मेन सप्लाई होगा। सॉरी, ये डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये इधर वाटर का कुछ पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर का पोर्शन है। इधर से वाटर फ्लो के ये पूरे लैंड में वाटर का डायरेक्शन दिया जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा क्या है, चेक फ्लडिंग, ओके। नेक्स्ट इज द फरो मेथड। फरो मेथड में क्या था, हम लोग क्यारियों में अपना क्रॉप को लगाते हैं, मोस्ट सुटेबल फॉर सुगर केन एंड पोटैटो, है ना। दिस इज द फरो। ये हमारा क्या है, ये मेन डिचेज नहीं, यहाँ पे हमने पाइप के थ्रू वाटर है जो सप्लाई किया, इस पाइप के थ्रू, है ना। कहीं पे हमारा पंप होगा या फिर कहीं पे रिवर होगा, वहां से हम लोग पाइप के थ्रू अपने लैंड के पास क्या ला रहे हैं, सप्लाई करने के लिए पाइप ला रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो फरो बना हुआ है इसके बीच में वाटर का फ्लो करवा रहा है, ओके। नेक्स्ट इज द, ये हमारा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर जो क्या था, स्प्रे मेथड से हम यूज कर रहे थे। दिस इज द ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हमारा क्या था, परफोरेटेड पाइप का नेटवर्क हम लोग पूरे लैंड में लगाते हैं, ठीक है। ये परफोरेटेड पाइप का जो नेटवर्क है ये डायरेक्ट हमारे प्लांट के रूट के पास जाता है, और वाटर एप्लीकेशन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अपना टैप ओपन करते हैं जिससे रूट्स को वाटर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। जनरली ये जो होता है ये किसके लिए सुटेबल होता है, रो क्रॉप, जो रो में जो क्रॉप, ऐसे तो ये सुटेबल हर एक के लिए होगा, लेकिन जब अगर रो क्रॉप अगर है, रो टाइप में अगर अरेंज किया हुआ है, इसमें क्या होगा, हमारा जो पाइप का नेटवर्क लगाने में, अरेंजमेंट करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो जनरली ऑर्चर्ड्स के लिए ये यूजफुल होता है, क्लियर है। तो ये हमारा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर एप्लीकेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट
जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन. सो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी होता था वैसे ही हमें इरिगेशन वाटर का भी क्वालिटी चेक करना है. क्लियर है? तो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, एनी आइडिया? फर्स्ट इज द सस्पेंडेड सॉलिड. Suspended solid. Water should be free from suspended solid. But suspended solids मतलब water को हम लोग को ये नहीं करके देना होगा कि उसका purify करके water को treatment करके water supply करेंगे. इससे हमारा क्या होगा, irrigation का cost बहुत ज्यादा high हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग वैसा water use करेंगे जो कि हमारे crop के लिए harmful ना हो. तो सस्पेंडेड सॉलिड में अगर जो मेरा रिवर है वो फ्लो कर रही है कुछ ऐसे एरिया से जहां पे सेडिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो सेडिमेंट है जो नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर उसमें ज्यादा है, मतलब कोई ऐसे लैंड ऐसे रॉक्स एरिया से हमारा रिवर फ्लो हो रहा है, वाटर आ रहा है जो कि सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है. सेडिमेंट्री रॉक को वेदरिंग करते हुए वाटर आ रहा है. सेडिमेंटरी रॉक हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर रिच होता है, ठीक है. सेडिमेंटरी रॉक हमारा उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड सल्फर रिच होता है. तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होते हैं. क्यों? क्योंकि एज ए फर्टिलाइजर काम करते हैं, है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर का नाम तुमने सुना होगा, जैसे यूरिया. यूरिया में क्या होता है, यूरिया में कौन सा केमिकल होता है, यूरिया फास्फेट, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर है जो कि हमारे क्रॉप के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है. तो अगर मेरा वाटर जो कि हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसमें सस्पेंडेड सॉलिड अवेलेबल है, बट वो जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसमें क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, हमारे फर्टिलिटी को वो इम्प्रूव कर देगा, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देगा, तो दैट इज नॉट हार्मफुल. लेकिन अगर कोई ऐसा वाटर हमने अप्लाई कर दिया अपने लैंड पे जिसमें कि ये तीनों के अलावा और डिफरेंट मेटल्स है जैसे आर्सेनिक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सॉइल का फर्टिलिटी लेस हो जाएगा. तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वाटर है उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड अवेलेबल है दैट इज रिच ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, देन दैट वाटर इज यूजफुल, ठीक है. इसके अलावा अगर कोई वाटर रहेगा, कोई सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा, दैट कैन बी हार्मफुल, ठीक है. तो फर्स्ट हमारा सस्पेंडेड सॉलिड का हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कैरेक्टर रखता है. क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर क्या, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट. तो देखते हैं टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारे वाटर में कितना है, सॉल्ट कंसंट्रेशन. सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारे सॉइल में कैसे आ सकता है, हमारे वाटर में कैसे आ सकता है? सॉल्ट मतलब क्या समझते हो, कौन कौन से केमिकल का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है? सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन तो मिलके ही सॉल्ट बनता है. उसके अलावा और भी कोई है मेटल्स? बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्ट नहीं होता, वो प्रिसिपिटेशन होता है, दैट इज नॉट सॉल्ट. मेटल का जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम एंड पोटेशियम,
अगर ये सब प्रेजेंट हो, कौन कौन सा मेटल? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो जनरली जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट किसकी वजह से होता है? सोडियम की वजह से हम लोगों ने जनरली हम लोग यूज करते हैं सोडियम सॉल्ट, ठीक है। बट कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लोरीन के साथ। तो अगर ये सब हमारे इरिगेशन वाटर में अवेलेबल हो, देन क्या होगा? अगर हमारे वाटर में सॉल्ट एक्सेस हो तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं? और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? क्यों ये हार्मफुल है और क्यों ये हेल्पफुल है, ये बताओ। एनी आइडिया? अगर हमारे सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा हमारे प्लांट के लिए? नहीं अगर ऐसा रहता तो सी वाटर का हम लोग यूज करते, सी एरिया में ज्यादा इरिगेशन होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिनिमम होना चाहिए। सॉल्ट हमारा, अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारे वाटर में है तो वो सॉइल के लिए और साथ ही साथ हमारे प्लांट्स के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट इज द कि हमारा जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर एक्सेस हो जाता है, दैट ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, इंजरी ऑफ क्रॉप, क्रॉप हमारा इंजर्ड हो जाए, मतलब उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, सबको पता होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सॉल्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी सबको पता होगा कि रूट्स और सॉइल के बीच में जो वाटर का जो फ्लो होता है ना, दैट इज ऑस्मोसिस। तो अगर सॉल्ट का प्रेजेंट है तो क्या होता है कि सॉल्ट के प्रेजेंट की वजह से जो रूट्स का जो वॉइड है, या फिर जो रूट्स का जो वॉइड और साथ ही साथ जो सॉइल का वॉइड है, वो चॉक्ड हो जाता है ना, सॉल्ट के प्रेजेंटेशन से। तो इस वजह से ऑस्मेटिक जो एक्टिविटी है, दैट इज रिड्यूस, ठीक है। और अगर चॉकिंग हो गया तो चॉकिंग की वजह से हमारे प्लांट को, रूट्स को एयर भी नहीं मिल रहा है ना, एरेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वॉइड तो ऑलरेडी चॉक्ड है। तो उस वजह से भी हमारे प्लांट का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होता है, हमारा पुअर क्वालिटी का प्लांट मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, क्रॉप यील्ड है जो रिड्यूस हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल इन द वाटर नॉट शुड बी मच, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, जिसे कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज द सी एस इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू प्लस आर ई माइनस सी यू। ठीक है, ये हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए। और कुछ लिमिट्स भी डिसाइड किए गए हैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अगर उस लिमिट को क्रॉस करता है तो वो वाटर हम लोग यूज नहीं करेंगे फॉर इरिगेशन पर्पस, है ना। तो डिफरेंट लिमिट भी ये प्रपोज किए गए हैं, हाई, लो और मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल। और हर एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल के, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के कंडीशन में कौन सा प्लांट हमारा ग्रोथ कर सकता है, कौन सा प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता, साथ ही साथ हमारा अगर कोई रेमेडी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को रिड्यूस करने के लिए, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कितने कंसंट्रेशन, अगर क्या कंसंट्रेशन सॉल्ट का अवेलेबल है, देन वी कैन यूज एनी रेमेडी फॉर रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो एक लीचिंग प्रोसेस तुम लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज लीचिंग? व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग क्या है? वाटर के कारण केमिकल वॉश आउट हो जाता है जो प्रेजेंट होता है सॉइल या रॉक में। ओके, वाटर के थ्रू, है ना। तो लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच हम लोग क्या करते हैं,
इन विच वाटर इज एडेड टू द सॉइल सो दैट द सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल मे गेट डिजॉल्व, है ना। सॉइल क्या होता है, सॉइल में जो प्रेजेंट हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो जनरली जो लीचिंग प्रोसेस होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ फॉर द रिमूविंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट की रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सॉइल में वाटर ऐड किया, उसके साथ क्या हो गया, वाटर के साथ सॉल्ट है जो डिजॉल्व हो गया, और डिजॉल्व होके जो हमारे पास जो वाटर बच गया, जो हमारे पास वाटर अभी प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज द लीचिंग। सो लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज एडेड टू द सॉइल सो दैट द सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल मे गेट डिजॉल्व इन इट एंड दैट वाटर इज ड्रेन आउट विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड, एनी मैकेनिकल मेथड, ठीक है। कोई भी मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो वाटर है सॉल्ट का मिक्सचर, सॉल्ट जिसमें डिजॉल्व है उसको ड्रेन आउट कर लेंगे। जब ये प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो अभी सॉइल है वो क्या है, सॉल्ट फ्री हो जाएगा, है ना, सॉल्ट फ्री हो जाएगा। तो जब भी अगर हमारे पास जो वाटर है जिसमें कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट रख रहा है वो वाटर, और हमने अपने लैंड पे इरीगेशन लैंड पे वो वाटर का एप्लीकेशन कर दिया, यूज कर लिया, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, लीचिंग प्रोसेस करना होगा, ताकि जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो सॉइल के फर्टिलिटी को ना इफेक्ट करे, साथ ही साथ हमारे क्रॉप यील्ड को ना रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट है सॉल्ट प्रेजेंट रहने से, ये हमने देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ जो क्यों हो जाता है ये सब, क्योंकि जो रूट्स होता है क्रॉप का, जो रूट्स होता है उसका वॉइड चॉक्ड हो जाता है, इसकी वजह से परफेक्टली एरेशन भी नहीं हो पाता है, क्लियर है। हमने कौन से फॉर्मूला से कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द सीएस, सीएस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू सी क्यू क्यू प्लस आर ई माइनस सी यू। हेयर सीएस, सीएस क्या है, सीएस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, ठीक है। सॉइल में कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। सी क्यू क्या है, सी क्यू इज द सी सी क्यू इज द क्यू इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने अप्लाई किया, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड वी कैन आल्सो राइट हियर ओनली क्यू। सो Q is the quality, quantity of water applied. Cu, Cu क्या है? Cu is the consumptive use of water. Evaporation chapter तुमने पढ़ा होगा hydrology में, वहां पे consumptive use पढ़ना था, consumptive use, है ना? Evapotranspiration chapter topic तुमने पढ़ा होगा, उसमें consumptive use और transpiration losses के बारे में in detail तुमने पढ़ा होगा। So Cu is the consumptive use. क्या होता है consumptive use? What is consumptive use of water? What is consumptive use of water? Anyone? Next is the RE. RE क्या होता है? RE. RE is the रेनफॉल। अगर रेनफॉल भी हो रहा है, रेनफॉल रेनफॉल भी आया, मतलब रेन के थ्रू अगर वाटर अप्लाई हुआ, उस कंडीशन में हम लोग आर ई यूज करेंगे। अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है, हमने सिर्फ वाटर अप्लाई किया है, देन वी कैन ओनली राइट हियर क्यू माइनस सी यू, ठीक है। तो आर ई इज द रेनफॉल, ठीक है, क्लियर है। और ये सी, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन
अप्लाइड वाटर, हम लोग जो वाटर अप्लाई कर रहे क्यू डिस्चार्ज का, उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है, दैट इज सी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो रेंज दिया गया है फॉर अप्लाई वाटर सॉल्ट फ्री, दैट इज द इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो ध्यान रखना है वैल्यू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन जो यूनिट होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का सीएस का, दैट इज महो, MHU। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है रेंज, दैट इज द लो सैलिनिटी। अगर हमने जो वाटर जो अप्लाइड किया उसकी वजह से जो सीएस का वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 100 to 150, दैट इज इन लो सैलिनिटी। ठीक है, लो सैलिनिटी। सेकेंड इज द मीडियम, मीडियम सैलिनिटी का रेंज क्या है, दैट इज द 250 to 750 माओ। थर्ड इज द हाई, थर्ड इज द हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी का रेंज क्या है, दैट इज द 750 to 2250 में हो पर सेंटीमीटर। एंड फोर्थ इज द वेरी हाई, अगर हमारा जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है, दैट इज द सीएस इज वेरी हाई, दैट इज द रेंज इन वैल्यू 2250 महो। देन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन कैटेगराइज किया गया है। देखो ये जो लो सैलिनिटी है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, C1। हमारा क्वेश्चन ये C1 C2 पे ही आएगा, हमें समझना होगा कि C1 मीन्स लो, C2 मीन्स मीडियम, C3 मीन्स हाई एंड C4 मीन्स वेरी हाई। ठीक है, C1, C2, C3। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर हमने जो सॉइल, हमारा जो सॉइल है और हमने जो वाटर अप्लाइड किया है, दैट हैव C1 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, देन वी कैन इरिगेट लैंड या फिर विच टाइप ऑफ क्रॉप वी कैन सोन। तो C1 लो सैलिनिटी, अगर लो सैलिनिटी है मतलब कि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ही लेस है, लेस मतलब कितना, 100 to 250 महो ही है। तो इस कंडीशन में कोई भी सॉल्ट रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज द लीचिंग प्रोसेस, कोई भी लीचिंग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिफरेंट और केमिकल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, ताकि सॉल्ट का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। ये बहुत ही लो सैलिनिटी का कंडीशन है, तो हम लोग किसी भी तरह का क्रॉप भी यूज कर सकते हैं, है ना। सेकेंड, अगर हमारा कंडीशन दिया रहेगा कि C2 सैलिनिटी केस है, C2 सैलिनिटी कंडीशन में क्या रहेगा कि हम लोग कोई भी क्रॉप यूज कर सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन का, कोई भी प्रोसेस यूज करना है सॉल्ट का कंसंट्रेशन रिड्यूस करने के लिए, अगर तो हमारा जवाब क्या होगा कि C2 कंडीशन में हम लोग हर एक टाइप का प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, प्लांट शो नहीं कर सकते हैं। इसमें C2 कंडीशन में सिर्फ उसी टाइप का प्लांट शो कर सकते हैं जिसका कि सॉल्ट टॉलरेंस पावर क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो, है ना। तो नॉर्मल टॉलरेंस प्लांट कैन बी आल्सो ग्रोन। अगर हम लोग लीचिंग प्रोवाइड करते हैं, लीचिंग प्रोसेस अगर प्रोवाइड करते हैं, देन वी कैन शोन नॉर्मल टॉलरेंट प्लांट।
जो कि नॉर्मल सॉल्ट का जो नॉर्मल टॉलरेंट प्लांट है उसको हम लोग ग्रोन कर सकते हैं अगर हमने लीचिंग प्रोसेस यूज किया है तो सिर्फ और सिर्फ लो सैलिनिटी केस में, दैट इज द इन सीवन केस में ही हम लोग हरे हरेक टाइप का प्लांट विदाउट एनी लीचिंग प्रोसेस ग्रोन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मीडियम सैलिनिटी और हाई सैलिनिटी हम लोग को जो भी हम लोग क्रॉप शोन करेंगे उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन ये लेंगे कि पहले तो चेक करेंगे कि कौन सा प्लांट हमारा सॉल्ट का कितना टॉलरेंस पावर रखता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका कि सॉल्ट के प्रेजेंट में तुरंत ही डेड हो जाए तो वैसा प्लांट हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, हाई सैलिनिटी में क्या करते हैं, हाई सैलिनिटी में बिल्कुल हमारा कुछ ही प्लांट है जो ग्रोन कर सकता है, बट हम लोग को लीचिंग प्रोसेस साथ ही साथ कोई और केमिकल प्रोसेस यूज करना होगा ताकि हमारा जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाए, है ना। बट इन केस ऑफ फोर्थ, दैट इज द सी4, सी4 वेरी सैलिनिटी, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, अगर हमने सी4 टाइप ऑफ वाटर अप्लाई कर दिया अपने लैंड पे, अपने इरिगेशन लैंड पे, तो हमारे सारे क्रॉप क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है फॉर इरिगेशन पर्पस। सी4 टाइप ऑफ वाटर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है फॉर इरिगेशन पर्पस। क्लियर है? तो C1, C2, C3, C4 क्या है समझ में आ गया, और ये C1, C2 के टर्म में ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान रखने की बात है कि C1 हमारा दैट मींस लो सैलिनिटी, C2 मींस मीडियम सैलिनिटी, C3 मींस हाई सैलिनिटी एंड C4 मींस वेरी हाई सैलिनिटी। C3 एंड C4 में हम लोग अवॉइड करेंगे क्रॉप का ग्रोन, और इरिगेशन वाटर जो यूज करेंगे वो C3 C4 का नहीं होना चाहिए, C2 का होना चाहिए, बट हमें लीचिंग प्रोसेस यूज करना होगा। C1 जो टाइप ऑफ वाटर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी क्रॉप के लिए विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन। ठीक है, क्लियर है? किसी को पूछना है सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वालिटी, वाटर क्वालिटी क्या होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा कि सोलुबल सॉल्ट का कंडीशन, मतलब हमारा मोस्टली हमें क्या यूज करना होगा कि हमारा जो वाटर है वाटर का क्वालिटी किस टाइप का होना चाहिए, सॉल्ट फ्री होना चाहिए। बट सॉल्ट अगर मीडियम रेंज में प्रेजेंट है तो हमें लीचिंग प्रोसेस यूज करना होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज द, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था, दैट इज द सस्पेंडेड सॉलिड। सेकेंड सेकेंड क्वालिटी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। थर्ड इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन एंड अदर कैटायन। हमने विदाउट एनी ट्रीटमेंट वाटर यूज कर रहे हैं हम लोग फॉर इरिगेशन पर्पस। तो जब तुम लोगों ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, तो देखा होगा कि क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो फॉर इरिगेशन पर्पस भी हमें फ्रेश वाटर चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर अगर अवेलेबल नहीं है तो जो हमारा वाटर इम्प्योर वाटर है जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे हम लोग एज ए इरिगेशन पर्पस यूज कर सकते हैं। बस उसमें भी हमें क्या, हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा वाटर बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा, कौन सा वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो थर्ड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन एंड अदर कटायन। सोडियम आयन एंड अदर कटायन हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं? परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन एंड अदर कटायन, अदर कटायन मतलब क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम जनरली तो यही होता है।
सो सोडियम अगर एक्सेस प्रेजेंट हो वाटर में तो क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो वाटर में तो हमारे सॉइल एंड क्रॉप के लिए वो हार्मफुल होगा या फिर हेल्पफुल होगा? कोई बताओ। वाटर क्वालिटी के लिए तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सोडियम प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है? फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैटायंस प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं? अगर होना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं होना चाहिए तो उसका क्या हार्मफुल कंडीशन क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है मेटेलिक कैटायन का? ऑलरेडी तुम लोगों ने वाटर क्वालिटी चैप्टर पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, तो मुझे कुछ बताओ। फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हम लोग यूज करते हैं क्या? नहीं मैम, मेटेलिक कैटायन नहीं करते हैं, क्यों मैम? हार्ड होता है इसीलिए। क्या हार्ड होता है मैम? सॉल्ट ज्यादा रहता है। क्लियर बोलो ताकि सबको समझ में आए। मैम सॉल्ट रहता है इसीलिए। सॉल्ट, सॉल्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, सॉल्ट तो हम लोग पढ़कर आगे निकल गए। हार्डनेस प्रोवाइड करता है ये, वाटर में हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये सोचो कि अगर जो हमने इरिगेशन वाटर के लिए यूज किया है वो बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है तो उस केस में क्या होगा? जनरली हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सोडियम कटायन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। तो इफ सोडियम आयन प्रेजेंट इन सॉइल और वाटर दैट इज लेस देन 5%, अगर लेस देन 5% है देन इट इज ओके, ठीक है। बट अगर सोडियम कटायन हमारा ग्रेटर देन 10% है तो उस केस में क्या होता है? सॉइल सबसे पहले क्या हाइड्रोक्साइड बच जाता है ना, मेटालिक कटायन की वजह से हाइड्रोक्साइड इंक्रीज कर जाता है, तो इस केस में क्या होगा? हमारा पीएच, सॉइल का पीएच क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा ना हमारा वाटर, उसकी वजह से क्या होगा? हमारा पीएच इंक्रीज कर जाएगा फर्स्ट। सेकेंड हमारा क्या होगा? दैट इज द सॉइल का परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का परमेबिलिटी रिड्यूस हो गया मतलब क्या? फॉर इरिगेशन में क्या इसका चेंजिंग आया? सॉइल का परमेबिलिटी रिड्यूस हो गया, परमेबिलिटी रिड्यूस हो गया सॉइल में, और उस सॉइल में हमारा क्रॉप का रूट्स है, क्रॉप लगा हुआ है, उस सॉइल में क्रॉप ग्रोन कर रहा है, क्या चेंजिंग आएगा? क्रॉप अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि वाटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है नहीं हो पाएगा, वाटर वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। साथ ही साथ सोडियम प्रेजेंट से क्या हो जाता है? प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज कर जाता है। तो अगर मेरा सॉइल में, सॉरी वाटर में सोडियम का कटायन या फिर और भी मेटालिक कटायन लेस देन 5% है दैट इज ओके, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मेटालिक आयन, जनरली हम लोग सोडियम को ही कंसिडर करते हैं, तो सोडियम कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10% देन पीएच इज इंक्रीज, ठीक है, रिड्यूस ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल and as well as increase the plasticity of soil, so that is the harmful for our crop, ठीक है। तो sodium concentration calculate करने के लिए छोटा सा formula है, that is SAR, sodium observation ratio equal to sodium ion concentration of sodium,
डिवाइडेड बाई अंडर रूट कैल्शियम कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टू. ये फॉर्मूला जनरली तुम लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं. ACR सोडियम ऑब्जर्वेशन रेशियो इक्वल टू सोडियम कटायन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कटायन अंडर रूट कैल्शियम कटायन प्लस मैग्नीशियम कटायन डिवाइडेड बाई टू. ठीक है,